AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक डिस्क्लोजर दिया है, बिजनेस डिस्क्लोजर फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। और ये जो अपडेट बिजनेस अपडेट्स दिए कंपनी ने, काफी बढ़िया एनकरेजिंग अपडेट्स है। आई स्टिल रिमेम्बर जब हम हमारा कॉन्टो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे थे तो उसमें इस बैंक को बहुत ही बढ़िया नंबर्स आ रहे थे। एंड वी हैड वेरी गुड डिस्कशन, मी, गौरव, मनीषा, कि जहां पे हमने इस पर्टिकुलर कंपनी को हमारे कॉन्टो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया था। तो वहां पे दो वी हैड रिजर्वेशन बिकॉज ऑफ कोविड-19, स्पेसिफिकली बिकॉज उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बैंक पे हो रहा था। तो उसमें बीइंग लिटिल कंजर्वेटिव वी वांटेड टू स्टिक विथ लार्ज बैंक्स, but the quantitative analysis was suggesting something else and we followed that. Okay, so we have decided कि भाई अगर ये thought process follow करना है कि जहां पे human intelligence बीच में नहीं आना चाहिए, if numbers are suggesting supporting then that particular company should be included in that portfolio. तो I think वो क्यों सही हो सकता है, why one needs to follow the discipline, I think यही साबित हो रहा है यहाँ पे। So total deposits जो grow हुए हैं बैंक के in last one year from 29,708 crore rupees to 44,278 crore rupees, यानी 49% की डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पे हमें इस कंपनी की नजर आ रही है। और अगर कासा रेशियो की बात करते हैं, सो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द कासा रेशियो वाज 22% एंड नाउ इट इज 39%। ये तो ईयर ऑन ईयर की बात की मैंने, बट सिक्वेंशियली ऑल्सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो फ्रॉम 39,000 करोड़ रुपीज टू 44,000 करोड़ रुपीज के डिपॉजिट बुक होना, यानी कि 13% सिक्वेंशियल ग्रोथ is a very strong growth. And even the CASA ratio also from 30% to 39% in one quarter, I think this is quite phenomenal. So deposit point of view से बैंक has done really well. Cost of funds की अगर हम बात करते हैं, यानी कि कितना पैसा पे करना पड़ता है बैंक को, जो भी funds raise कर रहा है बैंक, तो उसकी cost क्या है? So that particular number is 5.9% in Q3 FY22. Last year same quarter it was at 6.7%. Even last quarter it was at 6.1%. यानी कि cost of funds जो है वो sequentially भी decrease हुए हैं and year on year भी decrease हुए हैं. Incremental cost of fund यानी कि जो नया पैसा कंपनी उठा रही है, that particular percentage is down to 5.3%. I think ये काफी अच्छा है. Even last quarter भी the number was at 5.3% only. The third component जो उन्होंने प्रेजेंट किया है वो है एडवांसेस, यानी कि लोन्स की अगर हम बात करते हैं तो लोन का जो AUM है वो 42,000 करोड़ रुपीस का है एज ऑफ 31st ऑफ दिसंबर 2021। ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर हैज ग्रोन बाय 27%, कितना? 27%। एंड इवन सिक्वेंशियली, दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो, दिस नंबर हैज गॉन अप बाय 11%। तो मुझे लगता है, आई थिंक बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्रोथ के नंबर्स नॉट ओनली फ्रॉम डिपॉजिट पॉइंट ऑफ व्यू, इवन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। डिसबर्समेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो फंड बेस्ड डिसबर्समेंट्स आर अप बाय 33% ईयर ऑन ईयर एंड 59% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड नॉन फंड बेस्ड जो डिसबर्समेंट्स है वो 55% ग्रोथ हुए हैं ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 48%। आई थिंक ये सारे नंबर्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। नाउ वी जस्ट डोंट वांट एनी बैड नंबर्स कमिंग आउट ऑफ ग्रॉस एनपीएस, एटलीस्ट लास्ट क्वार्टर की बात हम करेंगे तो वहां पे ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस एक्चुअली वेंट डाउन, दैट वाज अ क्वाइट पॉजिटिव साइन। अगर मंथली कलेक्शन के ट्रेंड्स की बात करते हैं तो कलेक्शन एफिशिएंसी इज एट 107% ईयर टू डेट की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज अ गुड नंबर। दो इन जून 2021 में ये नंबर वाज एट 114%, तो वहां से 107% है, बट इफ इट इज मोर देन 100% कलेक्शन एफिशिएंसी सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओवरऑल आई थिंक मुझे लगता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी अच्छे ये कलेक्शन एफिशिएंसी के नंबर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बैंक इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। लास्ट क्वार्टर में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने नहीं किए कोविड रिलेटेड, एटलीस्ट अगर हम बात करते हैं, सो दैट्स ऑल्सो बिग पॉजिटिव। तो ओवरऑल things are looking better for AU Small Finance Bank. So let's see, let's wait for the actual results जहां पे सारे numbers proper तरीके से हम analyze कर पाएंगे। But अभी तो काफी अच्छा response market इस particular company को देता हुआ नजर आ रहा है। But I think let's see, let's wait for the quarter 3 actual numbers उसके हिसाब से वी विल एनालाइज दोज रिजल्ट्स आल्सो। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये छोटा सा वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो investyadnya.in को विजिट करके हैप्पी न्यू ईयर ये प्रोमो कोड यूज करके 50% का डिस्काउंट लेना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।